लो अखिलेश तुम अपने सिर पे कितनी ईंटें ला रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ईंटें हैं तुम्हारे सर पर, 8 ईंटों का अपना नगद पैसा लो लो। और लालू जी आपके सर पे कितनी ईंटें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लालू जी आप अपने सर पर बहुत कम ईंटें लाती हो, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस ईंट भट्टा का मालिक हूँ और तुम लोग जो भी मजदूरी करती हो मैं नगद मजदूरी देता हूँ। अब देखो अखिलेश अपने सर पर 8 ईंटें लाया है, इसको 8 रुपए तुरंत नगद दे रहा हूँ, 1 रुपया ईंट के हिसाब से। मोदी जी इसीलिए तो हम आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आते हैं। अरे ऐसा कोई भी ईंट भट्टे का मालिक नहीं है जो नगद मजदूरी देता हो। अब देखो आप पेटी में पैसे लेकर बैठ गए, जो जितनी ईंटें लाता जा रहा है उसे उस हिसाब से आप पैसे देते जा रहे हैं। अब देखो मैं अपने सर पर 8 ईंटें लाया हूँ तो आपने मुझे 8 रुपए नगद दे दिए, लालू जी 6 ईंटें ला रहे हैं उन्हें 6 रुपए दे दोगे आप? मैं तो ज्यादा सर पे ईंटें रख ही नहीं पाता हूँ, 6 ईंटें लाता हूँ और 6 रुपए मोदी जी से नगद ले लेता हूँ, फिर मैं अगले चक्कर में 6 ईंटें लाता हूँ फिर 6 रुपए नगद ले लेता हूँ। लेकिन मोदी जी आपके जैसा ईंट भट्टा मालिक मैंने आज तक नहीं देखा जो नगद पैसे देता हो। मुझे आपके ईंट भट्टा पे काम करने में बहुत ही मजा आता है, बिल्कुल नगद पैसे मिलते हैं। इसीलिए तो लालू जी मैं भी देखो मोदी जी के ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता हूँ। देखो ईंट बना रहा हूँ मैं, जैसी ईंट बन के तैयार होंगी मेरी जितनी भी, तुरंत मोदी जी अपनी पेटी में से पैसे निकालेंगे मुझे दे देंगे। और योगी जी तुम कैसे चले आए, तुम अपना काम बताओ। राहुल काम तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, मोदी जी को बताऊंगा। मोदी जी मैं भी आपका नाम सुन के आया हूँ, मुझे पता चला है कि आप मजदूर की पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देते हो, इसीलिए मैं भी आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आया हूँ, कोई जगह खाली हो तो बताओ। योगी जी माफ करना, फिलहाल तो कोई जगह खाली है नहीं, क्योंकि जब से मैंने अपनी ईंट भट्टे पर नगद पैसा देना शुरू किया मजदूरों को, मेरे पास मजदूरों की भीड़ लगी रहती है। अब मेरे पास एडवांस में इतने ज्यादा मजदूर है कि इतना तो काम भी नहीं है ईंट भट्टी पर। मोदी जी ये पैसों की पेटी लेके बिल्कुल सामने बैठी हो, किसी दिन कोई मजदूर लेके ना भाग जाए। योगी जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे इस ईंट भट्टी पर एक एक मजदूर ईमानदार है, सारे मजदूर मेहनत मजदूरी करते हैं और नगद पैसे लेते हैं मुझसे, तो उन्हें पैसा लेकर भागने की क्या जरूरत है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।